चैप्टर है हमारे पास डायरेक्टिंग। कितनी वेटेज है इसकी? 5 to 8 मार्क्स मिनिमम आपको 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, मैक्सिमम आपके पास ये 8 मार्क्स का आ सकता है। बड़ा चैप्टर है ये, क्योंकि इसके अंदर हमें 4 एलिमेंट्स पढ़ने हैं। तो एक बार रिकॉल करो इसके पहले क्या क्या हुआ, तो फिर डायरेक्टिंग का लिंक बनेगा। पहले आपने क्या किया, मैनेजमेंट, आप मैनेजर हो कंपनी के, तो पहले आपने क्या किया, प्लानिंग। फिर आपने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग। फिर आपने क्या किया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, बोलो। प्लानिंग में हमने देखा व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, और कैसे होगा आगे फ्यूचर का काम, ये हमने प्लानिंग में देखा। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या देखते हैं बताओ, कैसे रिसोर्सेज का एलोकेशन होगा, किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर काम करेगा। स्टाफिंग में हम क्या देखते हैं, किस तरीके से एम्प्लॉइज़ को हायर करेंगे, किस तरीके से उनसे काम लेंगे। और अब हमारे पास आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आपने काम को शुरू कर दिया है, डायरेक्टिंग में आपने क्या किया है, काम को शुरू कर दिया है। इससे पहले आपका कोई काम शुरू नहीं हुआ, आपका सिर्फ पेपर वर्क हुआ है। तो डायरेक्टिंग के अंदर एक ऐसा पर्सन हमें मिल गया है जो काम को शुरू करवाएगा। तो देखो डायरेक्टिंग की मीनिंग क्या कहती है। डायरेक्टिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, रेफर्स टू प्रोसेस। डायरेक्टर क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, काउंसलिंग करता है, मोटिवेट करता है, एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब जो भी कंपनी के बड़े बड़े लेवल पे डायरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइड करते हैं, टाइम टाइम पे काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं और लीड करते हैं पीपल को आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेट करते हैं। डायरेक्टिंग इज़ द की एलिमेंट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। अगर डायरेक्टर ही नहीं होगा, अगर कंपनी को गाइड करने वाला ही नहीं होगा, कंपनी में प्लानिंग करने वाला ही नहीं होगा, तो फिर फ़ायदा क्या। तो इन शॉर्ट में डायरेक्टिंग में हम लोग 4 चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको मीनिंग में समझ में आया। डायरेक्टिंग में हम पढ़ेंगे सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, और एक पढ़ेंगे हम लोग क्या, सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, और एक और एलिमेंट आता है हमारे पास। 4 एलिमेंट्स हम लोगों को देखने, तो वो 4 एलिमेंट्स क्या होंगे, मोटिवेशन। चौथी चीज क्या है, मोटिवेशन। 4 चीज़ें हम क्या पढ़ेंगे बताओ, 4 एलिमेंट्स क्या हैं लीडरशिप डायरेक्टिंग के चैप्टर में, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। यानी जो लीडरशिप के काम हैं, जो एक लीडर का काम है, उसी एलिमेंट्स को हम 1 by 1 पढ़ेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा। ये हमारे सामने जो पिक्चर है इसको देख के थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी, डायरेक्टिंग है क्या, ये पर्सन क्या कर रहा है ब्लू में, ये अपने से सबॉर्डिनेट्स को, नीचे जो इसके काम करते हैं उनको गाइड कर रहा है कि भाई ये हमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, और ये इनको आगे लेके चल रहा है। तो अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले डायरेक्टिंग से ही क्या हुआ है, काम इनिशिएट हुआ है। अभी तक तो हम सिर्फ पेपर वर्क कर रहे थे, जैसे ही हमें डायरेक्टर मिल गया हमारा काम शुरू हो गया। तो डायरेक्टिंग की वजह से ही काम की शुरुआत होती है, अभी तक सारा हमारा कैसे चल रहा था, पेपर वर्क। दूसरा फीचर्स क्या कहता है, दूसरा फीचर्स कहता है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल, अब डायरेक्टिंग किसी एक लेवल के लिए थोड़ी ना काम करेगा, डायरेक्टिंग तो हर जगह काम करेगा। जैसे किसी लेवल में आप सुपीरियर हो, किसी जगह पे कोई और सुपीरियर, यानी ये रिश्ता जो है सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स का, ये हर लेवल पे होगा। आपके अंडर कोई काम करता है, आप किसी के अंडर काम करते हो, तो ये क्या है, हर लेवल में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट फीचर क्या है जो कॉमन है, हर चीज़ के फीचर में आता है, कंटिन्यूस प्रोसेस। डायरेक्टिंग एक लगातार करने वाली एक्टिविटी है, एक दिन एक समय की नहीं है। और डायरेक्टिंग फ्लो कैसे करती है, टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग फ्लो करती है टॉप टू बॉटम, यानी सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स को गाइड करते हैं, सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स को बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, वही लोग उनको क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है
एक क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है और इसका डायरेक्ट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ये तो हो गया इसका इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। लेकिन इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्या कि बताओ किस तरीके से डायरेक्टिंग इज़ द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन है, डायरेक्टिंग इज़ द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम उसकी इम्पोर्टेंस लिख के आना है, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आया तो हमसे इम्पोर्टेंस पूछ रहा है वो। तो नाउ कम टू इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब कुछ चीज़ें तो फीचर्स की तरह ही मिलेंगी, जैसे पहला क्या है, इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग के बिना आप काम शुरू ही नहीं कर सकते। बाकी सारे फंक्शन में आपने क्या किया, प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइज किया है, एम्प्लॉइज़ को हायर किया है, अभी काम कहाँ शुरू हुआ। तो डायरेक्टिंग से काम की स्टार्टिंग होती है। दूसरा क्या है इम्पोर्टेंस, डायरेक्टिंग क्या करता है, इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉई के एफर्ट्स को। अब हर एम्प्लॉई अलग अलग लेवल में काम करता है, हर अलग अलग पार्ट्स में काम करता है। तो डायरेक्टर क्या करता है, जैसे मैं कोई मूवी है तो मूवी में सारे छोटे छोटे पार्ट्स को, छोटे छोटे रोल को मिला के एक 3 घंटे की मूवी बनती है। उसमें जितना रोल एक्टर का होता है उतना एक्ट्रेस का होता है, जितना उसमें विलेन का होता है उसमें सबकी वैल्यू होती है। तो क्या करता है डायरेक्टिंग, इंटीग्रेट करता है, राइट। उसके बाद थर्ड है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको गाइड करेगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे आप काम कर रहे हो, आपको कोई असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ गई, या आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ गई, या आपको लगा यहाँ पे कैसे काम होना चाहिए, तो आपका बॉस हमेशा आपको मोटिवेट करेगा उस काम को लेकर के, है ना। आपके अंदर नेगेटिविटी ना आए उसको आपको मोटिवेट करेगा, ये काम आसान है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या है, फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज। अब आए दिन मैनेजमेंट में क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आज कोविड का टाइम है तो डायरेक्टरों ने क्या बोला होगा कि भाई वर्क फ्रॉम होम करने दो, सबको लैपटॉप दे दो, सबके घर में इंटरनेट की फैसिलिटी लगवाओ, है ना। तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज। जब भी एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो डायरेक्टर आपको हेल्प करेगा किस तरीके से आप चेंज में काम कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। किसके बीच में स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, डायरेक्टर कोशिश करता है कि पूरे एनवायरनमेंट में क्या बनी रहे, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। परफॉर्मेंस अच्छा हो, एम्प्लॉयज़ का आपस में झगड़ा ना हो, कोई किसी को सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स का मिसयूज़ ना करे, राइट। कोई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी तरीके का सोशल अनजस्ट ना हो, इस तरीके से डायरेक्टिंग ये चीज़ के लिए काम कर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया टॉपिक, वन बाय वन टॉपिक अब हम करेंगे, दैट इज़ एलिमेंट। अभी हमने पूरा डायरेक्टिंग के बारे में देखा, अब हम एक एक एलिमेंट को पकड़ेंगे और उसको फिनिश करेंगे, और ये सब सारे एलिमेंट हो जाएंगे तो हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो सुपरविजन डायरेक्टिंग का पार्ट है, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ये हमारे पास 4 एलिमेंट हैं जिसको हम करेंगे तो हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर फिनिश होगा। अब हम पहला एलिमेंट शुरू करते हैं हम लोग, दैट इज सुपरविजन। सुपरविजन क्या है, ये सुपरविजन, सुपरविजन का मतलब क्या होता है जी, देखते हैं। सुपरविजन, इसको ब्रेक करते हैं इसकी मीनिंग। सुपरविजन मतलब किसी के काम को सुपरवाइज करना, किसी के काम को चेक करना, ओवरसी करना। ओवरसी मतलब चेक करना कि जो मैंने उसको टास्क दिया है क्या वो कर पा रहा है, क्या वो सही तरीके से कर रहा है। जैसे एग्जाम में एग्जामिनर होते हैं तो इसको हम सुपरवाइज़र भी बोल सकते हैं, वो चेक कर रहा है क्या बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे हैं, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, क्या सभी अप टू द मार्क हैं। तो दिस इज़ व्हाट सुपरविजन। तो सुपरविजन में जो सुपीरियर पर्सन का सुपीरियर पर्सन होता है वो अपने से सबॉर्डिनेट्स को क्या करता है, चेक करता है, राइट। सुपरविजन क्लियर, इस पिक्चर को देखो आप, इससे क्लैरिटी होगी आपकी सुपरविजन क्या है। हम एक एक एलिमेंट को गौर से देख रहे हैं, हम हर चीज़ पर निगरानी रख रहे हैं कि जो मैंने टास्क दिया है क्या वो बढ़िया तरीके से परफॉर्म हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं सुपरवाइज़र करता क्या है, तो चाहे आप फंक्शन पढ़ लो या रोल पढ़ लो, बात एक ही है। मैं दोनों पढ़ा देता हूं, एग्ज़ाम में रोल और फंक्शन आप दोनों एक ही लिख सकते हो। तो
रोल क्या है, रोल में क्या करता है सुपरवाइज़र, भाई की मैन का काम करता है, की मैन का मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन का रोल प्ले करता है, क्योंकि यही तो चेक करेगा कि जो काम दिया था हुआ है नहीं हुआ। मीडिएटर का काम करता है, मीडिएटर किसके बीच में, जिसने प्लानिंग की है और जो काम कर रहा है उसके बीच में मीडिएटर का काम करेगा, और एज अ ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करेगा। ह्यूमन रिलेशन मतलब एम्प्लॉय को खुश रखेगा, बॉस को भी खुश रखेगा, इनकी शिकायतें उनको बताएगा, इनकी प्लानिंग इनको बताएगा, तो इस तरीके से क्या करेगा, ये ह्यूमन रिलेशन को मेंटेन करेगा। अब हम देख लेते हैं फंक्शन क्या क्या करता है, तो हमारे पास पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि रोल और फंक्शन आप मिक्स करके लिख सकते हैं। तो देखो रोल और फंक्शन क्या है, देखिए सबसे पहले मेंटेन डे टू डे कॉन्टैक्ट, पहला फंक्शन, हर दिन का ये क्या रखेगा अपने पास, हिसाब किताब कि कौन आया कौन नहीं आया, किसने छुट्टी मारी, आज कितना आउटपुट हुआ, कल कितना काम हुआ था। मेंटेन डे टू डे वर्क, एनश्योर करेगा परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, यही बताएगा कि काम कौन कर रहा है, कौन लापरवाही से कर रहा है, कौन ईमानदारी से कर रहा है। फीडबैक देगा, फीडबैक का मतलब बॉस को बताएगा जाके कि एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं नहीं, वर्कर काम कर रहे हैं नहीं, जो आपने प्लानिंग की है उस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जैसे इंटरमीडिएट है तो इसमें ये पॉइंट आ गया, लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, राइट। प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, हमने स्टाफिंग में पढ़ा था ट्रेनिंग होती है कई टाइप की, तो जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है जो आपको काम के साथ सिखाई जाएगी वो आपको सुपरवाइज़र ही देगा, सुपरवाइज़र ही आपको ट्रेनिंग कौन सी देगा ऑन द जॉब। लास्ट है इसका काम, हेल्प इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी, अब वर्कर्स में लड़ाइयाँ ना हो, मतभेद ना हो, आपस में कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना करें, तो इसके बीच में सुपरवाइज़र बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, राइट। तो ये 5-6 हमारे पास इसके क्या होगा, एक तरीके से फंक्शंस परफॉर्म बाय सुपरवाइज़र। रोल तो 2-3 ही थे, लेकिन फंक्शन आप पूरे पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये सुपरवाइज़र है कौन और ये करता क्या है, क्लियर। यस, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आता है मोटिवेशन। एक हमने फंक्शन कर लिया सुपरविजन, नेक्स्ट हमारे पास आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या हम देखते हैं, ये तो आपने बहुत वर्ड सुना है, नॉर्मली हम सुनते रहते हैं मोटिवेट करना, है ना। कंपनी के लेवल है मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग देखो क्या कहती है, मोटिवेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन अकम्प्लिश डिज़ायर गोल, लोगों को फोर्स करना, लोगों को एक तरीके से उसकी तरफ ध्यान दिलाना कि आपको अपना टास्क अचीव करना है, मोटिवेशन है ना। दूसरा मीनिंग लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू प्रोसेस विच एक्साइट्स पीपल, लोगों में ऊर्जा जगाना, टू वर्क द अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव, कि जो आपको काम दिया है उसके प्रति लग जाओ, काम करना है। अभी हम पढ़ेंगे मोटिवेशन 2 तरीके का होता है, या तो मैं आपको पीठ थपथपाऊँ एक मोटिवेशन, या आपको मैं 10 रुपये दे दूँ एक मोटिवेशन। जैसे मुझे टेस्ट लेना है मान के चलिए, तो मैं बोलूँ टेस्ट में लूँगा जो फर्स्ट स्टूडेंट होगा उसको 100 रुपीज़, ये भी एक मोटिवेशन है। एक मैं क्लास में आपकी बड़ाई करूँ, ये भी एक मोटिवेशन है, क्लियर। ये पिक्चर देखो मोटिवेशन की, इसमें बहुत सारी बातें बोल रहा है, देखो एक बार इस पिक्चर को आप देख लो, मोटिवेशन किन किन चीज़ों के बारे में, किस किस तरीके से मोटिवेशन आपको दी जा रही है, एक बार पूरी पिक्चर को देख लो आप, सारे पैरा पढ़ लो। अब हम लोग देखते हैं मोटिवेशन के फीचर्स, मोटिवेशन किस तरीके का होता है। पहली बात तो ये इंटरनल फीलिंग है, आपको भी पता है मोटिवेशन कोई बाहर से तो कोई चीज़ आई नहीं है ना। अगर मैं आपको शब्दों में मोटिवेट कर रहा हूँ तो इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग, आपको मैं इंटरनली मोटिवेट कर रहा हूँ, किसी काम को लेकर के मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा मोटिवेट क्यों किया जाता है, गोल ओरिएंटेड होता है। मोटिवेट करने का मतलब जैसे आप 12th में आ गए हो, मेहनत करो, पढ़ा करो, है ना, जो होमवर्क दूँ वो किया करो, क्लास के बाद डाउट पूछा करो, तो ये क्या है, गोल ओरिएंटेड, उसमें गोल छुपा हुआ है, फीचर्स है ये, फीचर मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए। अब देखो ध्यान से तीसरा फीचर क्या है, ये बहुत ही अच्छा फीचर है, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों तरीके से हो सकता है। रोहित तुम ढंग से पढ़ाई करो,
तुम्हें आगे चल के बहुत बड़ा टेररिस्ट बनना है, तुमसे पूरी दुनिया में तबाही मचा देना जैसे कोरोना ने फैलाई है, ये नेगेटिव मोटिवेशन है। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है, रोहित तुम पढ़ लिख के नाम रोशन करो, है ना, दुनिया में छा जाओ, फलाना ढिमका, ये पॉजिटिव मोटिवेशन। तो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है ना। अच्छा, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सही बात है भाई। सबको मोटिवेट करना और हर कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। यानी कोई मुझे बोले कि सर इसको समझाओ ना, ये पढ़ता नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, अरे भाई मैं तो खुद ही परेशान हूँ, क्या मैं मोटिवेट करूँगा। तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मोटिवेशन करना इतना आसान नहीं है। क्लियर? देखो, इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन में कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास, 7 पॉइंट्स हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया आपको, मोटिवेशन सेट्स इन मोशन एंड एक्शन पीपल एंश्योर, मतलब गोल के लिए काम करता है, गोल को पाने के लिए, अचीव करने के लिए मोटिवेशन काम करता है, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत है। इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉई, जब मोटिवेशन होगा तो एम्प्लॉई का परफॉर्मेंस बूस्ट होगा। तीसरा मैंने आपको बताया, रेसिस्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉई काम को नहीं कर रहा, मना कर रहा है, उसको हम रेसिस्ट करने में, उसको रेसिस्ट ना करें, उसको हम इस तरीके से मोटिवेट करेंगे। एम्प्लॉई कंपनी में छोड़ रहा है, कंपनियों में एब्सेंट हो रहा है, वो कम होगा, एब्सेंटिज्म टर्नओवर कम होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एम्प्लॉई काम करेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड। सिक्स है सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट, सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट में काम करें, दूसरे का कॉपरेशन। और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जब भी लिखा आएगा तो हम क्या मान के चलते हैं, रिसोर्सेज मतलब मैन मनी मशीन, सबका यूटिलाइजेशन। मैन मतलब लेबर, मशीन मतलब मशीन, और मनी मतलब पैसा। इसका आप सदुपयोग कर सकते हो अगर आप बढ़िया एक कंपनी में मोटिवेटर रखते हो। मोटिवेटर का मतलब हम डायरेक्टिंग की बात करें, डायरेक्टिंग के अंदर ये चार एलिमेंट होने चाहिए। क्लियर? अब हमारे पास टॉपिक है मोटिवेशन प्रोसेस, किस तरीके से आप मोटिवेट करोगे, उसका प्रोसेस क्या है, मोटिवेशन का प्रोसेस क्या है। देखो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारे पास अनसेटिस्फाइड नीड होती है, मतलब हमारी कोई नीड है जो पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम क्या हैं, अगला पॉइंट कहता है, जिसकी वजह से हम टेंशन में हैं। और टेंशन में रहेगा तो हमारी ड्राइव्स बदल जाती हैं, काम करने के तरीके बदल जाते हैं। फिर मोटिवेटर आता है और वो हमारे बिहेवियर को आके चेक करता है, सर्च बिहेवियर, और फिर उससे सेटिस्फाइड नीड होती है, उससे हमारी नीड सेटिस्फाई होती है, और फिर हमारी टेंशन धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसका मतलब किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का ये प्रोसेस है, पहले पता लगाओ उसकी नीड ऐसी कौन सी है जो सेटिस्फाई नहीं हुई, टेंशन का लेवल क्या है, स्ट्रेस का लेवल क्या है, ड्राइव्स क्या क्या हैं उसकी, किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, और उसकी धीरे धीरे आप टेंशन कम करो। टेंशन कैसे कम करोगे, आगे हम पढ़ेंगे। दो तरीके से कंपनी आपको मोटिवेट करती है, या मॉनेटरी बेनिफिट देके या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट देके, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मास्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जैसे आपने प्रिंसिपल के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया फेओल के कॉन्सेप्ट और टेलर के कॉन्सेप्ट, यहीं पे हमारे पास आते हैं मास्लो नाम के व्यक्ति की थ्योरी जो मोटिवेशन के ऊपर है। मास्लो कहते हैं कि किसी पर्सन को मोटिवेट करने के 5 स्टेप्स हैं, आप उसको एक बार में मोटिवेट नहीं कर सकते। तो पहले मास्लो कहते हैं उसकी नीड को पता करो, उसकी कौन सी नीड पूरी नहीं हुई, और उसको उस नीड को दो तो वो जल्दी मोटिवेट होगा और उसका परफॉर्मेंस बूस्ट होगा। तो पहली नीड मास्लो कहते हैं बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में क्या क्या होती हैं हमारी, जैसे हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, स्लीप, ये सबकी बेसिक नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, अगर ये हमारे पास है तो हमारी बेसिक और साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं। उसके बाद लोगों की नीड्स होती हैं सेफ्टी, जो चीज़ हमारे पास है वो हमारा सिक्योर रहे, सेफ रहे। जैसे हमारे पास जॉब तो है, बट क्या हमारी जॉब सेफ है, क्या फ्यूचर में हमारे पास काम मिलना कंटिन्यू रहेगा, ये सेफ्टी नीड्स हो गई। उसके बाद मास्लो ने तीसरी नीड क्या बताई है, सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब क्या है कि आप कितना सोशली आपके बारे में लोग केयर करते हैं, आपको सोशल में रेस्पेक्ट मिलती है नहीं मिलती, बिलोंगिंगनेस मिलती है या नहीं मिलती,
एक्सेप्ट लोगों ने किया, आपको नहीं किया, आपको रिस्पेक्ट मिलती है समाज से नहीं मिलती, तो एक आम आदमी ये भी सोचता है। फिर मास्लो क्या कहते हैं फोर्थ थ्योरी में, क्या कहते हैं, एस्टीम नीड्स, एस्टीम, ये बड़े बड़े लोगों की ज़रूरतें, जैसे इसमें स्टेटस चाहता है हर बंदा, है ना, मेरा नाम हो, फेम हो, लोग मुझे जाने, है ना, मेरी तब अटेंशन दें, ये है एस्टीम नीड्स, है ना। उसके बाद सेल्फ एक्चुलाइजेशन, सेल्फ एक्चुलाइजेशन मतलब होता है जो आप हैं उससे खुश हैं या नहीं है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो क्या आप सेटिस्फाई हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आप सेटिस्फाई हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि हम जिस भी लेवल पे हैं वेदर वी आर सेटिस्फाइड और नॉट। ये पांच नीड मास्लो ने बोली, जल्दी से रिकॉल करते हैं पांच नीड क्या थी। देखो सबसे पहले क्या थी बताओ, बेसिक, बोलो मास्लो ने पहली नीड कौन सी बताई, बेसिक या साइकोलॉजिकल नीड जिसमें रोटी कपड़ा मकान, सेफ्टी जो है वो सेफ रहे, सोशल नीड समाज में हमें एक दायरा मिले, एक खुशी मिले, उसके बाद एस्टीम बड़े लेवल की ज़रूरतें, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, ऑटोनॉमी हो, स्टेटस हो, है ना, सिंबल हो, हर एम्प्लॉय चाहता है कि मुझे मैनेजर की पोस्ट मिले, मुझे डायरेक्टर की पोस्ट मिले, ये एस्टीम नीड्स है। और सेल्फ एक्चुलाइजेशन है कि जिस लेवल पे मैं हूँ क्या मैं खुश हूँ या नहीं। क्लियर, आप देखते हैं ये नीड की कुछ अजम्पशंस हैं, सॉरी इस थ्योरी की कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशन का मतलब होता है ये चीज़ें लागू होंगी तभी मास्लो की थ्योरी लागू होगी। अब वो क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ हम कांस्टेंट मान रहे हैं, अजम्पशन है हमारी, चार अजम्पशंस हैं। पहला कहता है बिहेवियर बीइंग अफेक्टेड बाय देयर नीड्स, बिहेवियर बीइंग अफेक्टेड बाय देयर नीड्स, मतलब नीड के हिसाब से थ्योरी काम करती है, नीड के हिसाब से, अगर नीड ही नहीं है तो ये थ्योरी पिट जाएगी। दूसरा कहता है नीड ऑफ पीपल मस्ट बी इन ऑर्डर और प्रायोरिटी कैन बी मेड, जिस ऑर्डर में हमने पढ़ा है उसी प्रायोरिटी के हिसाब से उस पर्सन की नीड होनी चाहिए। तीसरा अजम्पशन है मोटिवेशन एंड विद द सेटिस्फेक्शन, हाँ मोटिवेशन ख़त्म जहाँ बंदे की नीड पूरी, मैंने प्रोसेस पढ़ाया था ना, जहाँ उसकी नीड सेटिस्फाई हुई अपने आप वो मोटिवेट हो जाएगा। और फोर्थ कहता है पीपल मूव टू नेक्स्ट हायर नीड ओनली वेन लोअर नीड इज सेटिस्फाई, बिल्कुल, जब आपकी बेसिक नीड पूरी होगी तभी तो सेफ्टी में जाओगे, जब सेफ्टी नीड पूरी होगी तभी तो सोशल में जाओगे। तो ये हमारी अजम्पशंस हैं, यानी ये जब चीज़ें फुलफिल होंगी तभी हमारा मास्लो का रूल लगेगा। क्लियर, नाउ इंसेंटिव्स, मतलब मोटिवेट करने के लिए कंपनी के पास इंसेंटिव्स हैं, है ना। अब इंसेंटिव कंपनी दो तरीके से दे सकती है ना, अब ये दो तरीके से हो सकते हैं। इंसेंटिव क्या है पहले इसकी मीनिंग देख लो, इंसेंटिव का मतलब है इंसेंटिव मींस ऑल मेजर्स चाहे मोनेट्री हो नॉन मोनेट्री हो विच आर यूज्ड टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। अब ये फाइनेंशियल भी हो सकते हैं नॉन फाइनेंशियल, पैसों के द्वारा आप मोटिवेट कर सकते हो या पैसे के अलावा। तो फाइनेंशियल क्या होगा आप समझ गए होंगे, पैसे देंगे, अभी हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मोटिवेट एम्प्लॉय कर रहे हैं थ्रू मोनेट्री फंड, है ना। अच्छा ये पिक्चर आपने देख ली एक बार, पैसा मिल रहा है आपको, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। अब पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं कि कंपनी इंसेंटिव, सैलरी मत मानना इसको, सैलरी तो मिल ही रही है, सैलरी के अलावा कंपनी क्या दे सकती है जो आप मोटिवेट हो। तो देखो पहला लिखा है, ध्यान से समझेंगे, पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस क्या है, जिसमें हम कंपनी वर्कर को सैलरी के अलावा अलग चीज़ें देते हैं, जैसे हम उसको HRA हाउस रेंट अलाउंसेस किराए पे रहता है उसका किराया दे दिया, DA डियरनेस अलाउंसेस महंगाई भत्ता दे दिया, CA कंपनसेटरी अलाउंसेस, अलाउंसेस का मतलब होता है जो खर्चे उसके एक्स्ट्रा हैं उसको हमने पे कर दिया, दैट इज़ अलाउंसेस। क्लियर बोलो। उसके बाद प्रॉफिट, पे एंड अलाउंसेस का मतलब मैंने बताया कि जैसे आप मान लो एम्प्लॉई हो और आप किराए पर रहते हो तो कंपनी आपको किराया दे देगी, उसे बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस। DA डियरनेस अलाउंसेस महंगाई भत्ता, मतलब सैलरी के अलावा आपके जो खर्चे हैं वो कंपनी आपको पे कर रही है, इसे हम बोलते हैं पे एंड अलाउंसेस।
दूसरा क्लियर है बिल्कुल, प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया, चलो भाई इस साल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ है, आप लोगों की मेहनत है तो कंपनी आपको प्रॉफिट का हिस्सा दे रही है, दैट इज़ वन ऑफ द फाइनेंशियल इंसेंटिव। बोनस आपने सुना ही होगा, आपको दिवाली बोनस या कोई फेस्टिवल बोनस या काम अच्छा परफॉर्म करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने को हम बोनस बोल रहे हैं। उसके अलावा और कंपनी क्या देती है, देखो फिर जब आप रिटायर होते हो तो रिटायरमेंट पे पैसे मिलते हैं, आपने सुना होगा लोगों को पेंशन मिलती है, ग्रेचुटी मिलती है, ये भी मोटिवेशन का पार्ट, आपने इतने साल कंपनी में काम किया, अपनी लाइफ डिवोट करी, तो कंपनी आपको सम्मान देना चाहती है। परक्विजिट्स, परक्विजिट्स का मतलब होता है ऐसे कार दे दी आपको, मेडिकल की सुविधा दे दी, घर दे दिया, है ना, तो कोई ऐसी सुविधाएं देना जिसको आप पैसों की टर्म में मेज़र कर सकते हो, जैसे आपके मेडिकल इंश्योरेंस का बिल पे कर दिया या आपको कार दे दी, इस तरीके से इसे बोलते हैं परक्विजिट्स, परक्विजिट्स मतलब सुविधाएं। और सिक्स्थ है स्टॉक ऑप्शन, इसको ध्यान से समझो, स्टॉक ऑप्शन का मतलब आपको कंपनी का शेयर दे दिया गया। अब आपको क्यों दिया गया, आप क्यों ले रहे हो, मान लो किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये मार्केट में बिक रहा है, आपको कंपनी ने 20 रुपये का दे दिया, ये भी तो मोटिवेशन है, आप जब चाहे इसको 100 रुपये में बेच दो, लेकिन इसमें कंपनी मोस्टली लॉक इन पीरियड लगाती है, मतलब आप इतने सालों तक बेच नहीं सकते। बेसिकली शेयर देने का मतलब ये होता है आपको कंपनी में बना के रखना, ताकि आपका इंटरेस्ट कंपनी में बना रहे और आप थोड़ा सा कंपनी के शेयर होल्डर भी नज़र आओ, दिस इज स्टॉक ऑप्शन। अब देखते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में अगर हम बात करें तो कंपनी क्या दे रही है आपको, पैसे के अलावा और भी तरीके हैं आपको मोटिवेट करने के। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, देखो, इंसेंटिव विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी बट प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। आपको हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इमोशनल सेटिस्फेक्शन। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा, जैसे जैसे इसमें क्या हो सकता है हमारे पास, ऐसा क्या कंपनी देगी, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जॉब सिक्योरिटी, पैसे नहीं मिल रहे लेकिन आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी कि भाई आपकी जॉब सेफ है, जैसे गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलता है, आपको जॉब सिक्योरिटी होगी, अब मुझे कोई निकाल नहीं सकता। दूसरा स्टेटस दे दिया आपको, मैंने कहा ना पोजीशन दे देना कोई भी, आपको मैनेजर बना दिया, डायरेक्टर बना दिया या टीम का हेड बना दिया, ये भी एक मोटिवेशन है। रिकग्निशन, रिकग्निशन का मतलब होता है किसी काम को लेकर के आपकी वाहवाही करना, अप्रिशिएट करना, परफॉर्मेंस को लेकर के आपको थोड़ा मोटिवेट करना। नेक्स्ट करियर एडवांसमेंट, इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत सारी कंपनी क्या करती हैं, आपको आगे पढ़ाई करने के लिए मौका प्रोवाइड करते हैं, यानी वो आपकी फीस भर देंगी या आपको कोई स्किल सिखाती हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर चलाना सिखा दिया या आपको फ्यूचर में कोई मशीन सिखा दी जो आपको नहीं आती या आपको फ्यूचर में काम हो सकती है, तो इसे करियर आपका डेवलप होगा। फिर एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन, कोई मीटिंग हो रही है उसमें आपको बुला लिया, आपको भी हिस्सा बना लिया और आपसे पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। सिक्स्थ है एम्प्लॉई एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉई स्वतंत्रता, हर जगह अपनी मत चलाना, कुछ चीज़ों को एम्प्लॉई के ऊपर छोड़ देना कि इसको आप खुद कर सकते हो, स्वयं कर सकते हो। सेवन्थ क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऐसा वातावरण देना कि उसको जो है बहुत अच्छा लगे कंपनी में काम करके, मतलब स्ट्रिक्ट वातावरण ना करना, फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना, लोगों का मन लगे काम में। और नेक्स्ट है जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट का मतलब ऐसी जॉब हो जिसमें मुझे फ्यूचर में किसके चांस हो, प्रमोशन की, मुझे लगे आगे बढ़ने के चांसेस ही चांसेस हैं। तो ये हमारे पास 5-7 एग्जाम्पल हो गए जो पैसे की टर्म में मेज़र नहीं कर सकते आप, लेकिन इससे भी एम्प्लॉई डेफिनेटली क्या होता है, मोटिवेट होता है। क्लियर, अब क्या डिफरेंस है दोनों में, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में। अब तो हमने पूरा पढ़ ही लिया सेपरेट, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मीनिंग में क्या लिखा हुआ है, देखो पहला उसमें लिखा हुआ है इसमें मॉनेटरी बेनिफिट देता है, उसमें हम नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिलते हैं, इसमें हम पैसों में तोल नहीं सकते। किस एम्प्लॉई को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो छोटे लेवल के एम्प्लॉई होते हैं उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है, बड़े लेवल के एम्प्लॉई को तुम कितना पैसा दो, उसकी उनकी ऑलरेडी सैलरी बहुत ज़्यादा है। नीड सेटिस्फाई, कौन सी नीड सेटिस्फाई होती है, पैसे दे करके आप कौन सी नीड सेटिस्फाई कर सकते हो, सेफ्टी नीड्स एंड साइकोलॉजिकल, मतलब बेसिक और सेफ्टी नीड,
पूरी होती हैं किससे, फाइनेंशियल से। बाकी सारी नीड जो होती हैं वो हमें कब पूरी होती हैं, जब हम एम्प्लॉई को नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दे पाते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक हमारा पूरा मोटिवेशन ख़त्म। तो मोटिवेशन में देखो हमने लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले मीनिंग देखी मोटिवेशन की, फिर मोटिवेशन प्रोसेस देखा हमने, फिर मास्लो की बात करी, और हमने मास्लो से पहले फीचर्स और इम्पोर्टेंस भी देखा। मास्लो के बाद हमने क्या देखा, इंसेंटिव दो टाइप के, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। क्लियर?